रनिंग इज नॉट गिवन, और ये सेम उसके जैसा ही सेम स्टेटमेंट है सेकंड मेथड, व्हेन क्रेडिट फॉर क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म रनिंग इज टू बी गिवन। अब ये स्टेटमेंट के दोनों मेथड के फॉर्मेट्स 99% सेम है। अगर आप ये फॉर्मेट्स याद कर लोगे तो मान लो आपके 10 मार्क आ गए। ये फॉर्मेट याद करना है आपको, ये फर्स्ट मेथड से मैं धीरे धीरे फॉर्मेट आपको याद कराता हूँ। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में व्हेन क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म रनिंग इज नॉट गिवन। अब हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। ऐसा आपको स्टेटमेंट का हेडिंग लिखना है कि अंडर राइटर्स की टोटल लाइबिलिटी, टोटल एट द एंड ऑफ पूरा ट्रांजेक्शन, अंडर राइटर्स को कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ये उसकी स्टेटमेंट की कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी में दे मार्क्ड एप्लीकेशन। ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब जो मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि ए ने, बी ने, सी ने, डी ने बोला कि हम लोग इतने इतने शेयर्स खरीद लेंगे, उसमें दे मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देने का। ग्रॉस लाइबिलिटी में दे मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो कि जितने जितने ए, बी, सी, डी ने शेयर्स बेचे वो माइनस कर दो, रिमेनिंग जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आता है वो यहाँ पे आप लोग लिख दो। अब मैं एक पॉइंट ऊपर जाके बताता हूँ, इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई भी अमाउंट नहीं है, ये पूरी स्टेटमेंट में सब जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। आप लोग जब भी मेरा लेक्चर सुनते हो, वीडियो लेक्चर सुनते हो, एक पेन पेपर कैलसी लेके हेडफोन लगा के अलग से शांति वाली जगह पे बैठ जाने का, और जब मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए तब वीडियो पॉज करके सब लिख लेने के नोट्स। जितना आपकी नोटबुक में सब लिखा हुआ होगा हैंड रिटन, उतना आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो ये मैंने लिखा है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओनली नंबर ऑफ शेयर्स आर रिकॉर्डेड एंड देर इज नो अमाउंट। तो हम लोग जो दोनों स्टेटमेंट बनाने वाले हैं उनमें कोई भी कहीं पे भी अमाउंट नहीं है, सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब आपको ये फॉर्मेट याद करना है, मेरे साथ फॉर्मेट याद करो। सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, उसके बाद आपको माइनस करके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो लिखने हैं, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। नंबर्स, फिगर्स, कैलकुलेशन सब मैं समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ सिर्फ ब्लैंकली ये दो फॉर्मेट याद करो, पहले ग्रॉस लाइबिलिटी, फिर लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे जितने शेयर्स बच गए वो लिखना है, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर जितने शेयर बच गए वो लिखना है। फिर इस स्टेज पे यहाँ पे लिखा है मैंने, इफ देयर इज एनी नेगेटिव नंबर एट दिस स्टेज दैट इज सरप्लस, देन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अदर अंडर राइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी। मान लो बी को जितने शेयर्स बेचने थे उससे ज्यादा बी ने शेयर्स बेच दिए, तो उसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं, नेगेटिव अमाउंट बोलते, नेगेटिव नंबर ऑफ शेयर्स बोलते हैं। तो ये जो बी को जितने शेयर्स बेचने थे उससे ज्यादा बेच दिए बी ने, तो बी का जो फायदा है वो ए और सी और डी को मिल जाएगा। मतलब बी का नेगेटिव, सपोज करो यहाँ पे 9,000 है, तो 9,000 में थे 3,000, 3,000, 3,000, ए सी डी में थे माइनस हो जाएगा, 3,000, 3,000, 3,000, तीनों में थे माइनस हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जो आपको ये 9,000 जो बी का सरप्लस है वो आपने ए और सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो आपको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ग्रॉस लाइबिलिटी के नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, उस ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो निकालना है, जो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो होता है वो ही पीएनएल रेशियो होता है। अब हम फिर से ऊपर जाके देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रॉस लाइबिलिटी का जो रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है। फिर मैंने यहाँ पे बताया है कि कोई कोई रूल्स मैं ओरल ही बोलूंगा, वो आप लोग बाद में आराम से लिख लेना। देर आर फ्यू रूल्स विच आई वॉन्ट राइट एनी वेयर, बट ऑल द स्टूडेंट्स शुड हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल द रूल्स। फिर ये थियोरेटिकल, अगर एमसीक्यू आपका 1 मार्क 2 मार्क का एमसीक्यू आता है तो ये थियरी में आएगा कि मैक्सिमम कमीशन अंडर राइटर्स को कितनी मिलती है। हम इस शब्द में कौन है, कंपनी। हमको डाउट है कि अगर हमारे शेयर्स बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कंपनी अपने शेयर्स अंडर राइट करा लेती है। अब अंडर राइटर्स को कितनी मैक्सिमम कमीशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेबी, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, तो अंडर राइटर्स को मैक्सिमम 5% कमीशन मिलनी चाहिए ऑफ इश्यू प्राइस। अब आप लोगों ने शेयर कैपिटल किया हुआ, आपको मालूम है कि फेस वैल्यू अलग होती है, इश्यू प्राइस अलग होती है। अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है और इश्यू प्राइस 12 रुपये है, तो हम लोग जो 5% कमीशन निकालेंगे वो 12 रुपये पर निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने बोला कि मैं 1 लाख शेयर्स बेच दूंगा, तो ए की अंडर राइटिंग कमीशन कैसे निकालेंगे, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12 रुपये इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5/100। 1 लाख शेयर्स जो ए की ग्रॉस लाइबिलिटी है मल्टीप्लाई बाय 12 रुपये इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5/100, ये ए की अंडर राइटिंग कमीशन। तो अगर अंडर राइटिंग कमीशन का परसेंटेज नहीं दिया हो तो भी 5%, और मैक्सिमम बोला हो तो भी 5%। और हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन में अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो वही परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 5%,
मैक्सिमम बोला है तो भी 5%। अच्छा अगर डिबेंचर्स दिया हो, अगर डिबेंचर्स दिया हो तो मैक्सिमम कमीशन होता है 2.5%, और डिबेंचर्स में रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया हो तो 2.5%। शेयर्स शेयर्स में 5% 5%, डिबेंचर्स डिबेंचर्स में 2.5% 2.5%। अब आगे बढ़ जाते, अब जो हमारे पहला मेथड था ये फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में व्हेन क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फर्म रेडिंग इज नॉट गिवन, फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने याद किया होगा, फर्स्ट लाइन में पहले ग्रॉस लाइबिलिटी, फिर लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर अगर बी का सरप्लस हो तो ए सी डी में से माइनस हो जाएगा। इतना करने के बाद बी का सरप्लस ए सी डी में माइनस करने के बाद बी का जो सरप्लस आया वो हम लोग ए सी डी में माइनस कर देंगे। फर्स्ट मेथड ऊपर चला गया, ये फर्स्ट मेथड, एक मिनट, जो बी का सरप्लस था, बी का सरप्लस हम लोगों ने ए सी डी को दे दिया। इसके बाद यहां पे जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट लायबिलिटी। अब ऑब्वियसली यहां पे बी में जीरो हो जाएगा, सपोज यहां पे -9,000 था तो उसके यहां पे +9,000 करके जीरो बना देंगे। फिर ए बी सी डी जो भी चारों का आंसर आया सब जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें फर्म एंड राइडिंग प्लस कर देंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फर्म एंड राइडिंग वो शेयर्स होते हैं जो ए बी सी डी चारों को कंपल्सरीली कंपनी से ये शेयर्स खरीदने ही है। ये ए बी सी डी ने गारंटी दिया था कंपनी को कि इतने शेयर्स तो हम खरीदेंगे ही। तो लास्ट में आपको एड फर्म एंड राइडिंग कर देना है, नेट लाइबिलिटी के बाद एड फर्म एंड राइडिंग, फिर आएगा टोटल लाइबिलिटी। तो फॉर्मेट एक बार शॉर्टकट में, ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर अगर किसी का सरप्लस हो तो बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पीएनएल रेशियो में जो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है। फिर जो आंसर आया उसको बोलेंगे नेट लाइबिलिटी, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्म एंड राइडिंग ऐड कर देंगे, उसके बाद आएगा टोटल लाइबिलिटी। अभी हमारा फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड का नाम होता है व्हेन क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म एंड राइडिंग इज नॉट टू बी गिवन। अब सेकंड मेथड में 99% सेकंड मेथड सब कुछ सेम है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है। सेकंड मेथड में यहां पे हो जाएगा क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म एंड राइडिंग इज टू बी गिवन। इज टू बी गिवन में क्या हो जाएगा मैं नीचे जाके दिखाता हूं आपको, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में ये हेडिंग लिखी हुई है ग्रीन कलर में, व्हेन क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म एंड राइडिंग इज टू बी गिवन। अगर क्रेडिट गिवन हो तो सिर्फ ये जो पहला वाला लेस है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले लेस में मार्क्ड एप्लीकेशन और फॉर्म एंड राइडिंग इन दोनों को प्लस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन और फॉर्म एंड राइडिंग पहले दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, फिर जो टोटल आएगा वो ग्रॉस लायबिलिटी में से लेस करेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, मार्क्ड एप्लीकेशन और फॉर्म एंड राइडिंग पहले दोनों को प्लस करो ऐड करो, फिर दोनों का जो टोटल आया वो ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस करो। देखो यहां पे लिखा हुआ है ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड प्लस फॉर्म एंड राइडिंग, मार्क्ड और फॉर्म एंड राइडिंग का टोटल ग्रॉस लायबिलिटी में से माइनस करो। फिर यहां पे एक नंबर ऑफ शेयर्स आएगा उसमें से अनमार्क्ड माइनस करो, फिर यहां पे एक नंबर ऑफ शेयर्स आएगा। फिर सेम वही प्रोसेस है कि अगर किसी भी एक अंडर राइटर का नेगेटिव नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, तो हम उसको बाकी के अंडर राइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो मैं आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा। कभी बी का माइनस में आएगा, कभी बी और सी दोनों का माइनस में आएगा, कभी बी सी डी तीनों का माइनस में आएगा, तो हाँ चारों का माइनस कभी भी नहीं आएगा। एक माइनस में हो सकता है, दो माइनस में हो सकते हैं, तीन माइनस में हो सकते हैं, चारों कभी माइनस में नहीं होंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स के बाद मैं बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेट लाइबिलिटी, फिर एड फॉर्म एंड राइटिंग, उसके बाद आएगा टोटल लाइबिलिटी। तो आप देखोगे ना सारा का सारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अब थोड़ा नॉनसेंस तरीके से याद करना सिखाता हूँ, मीनिंग तो मैं अभी तक नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा एक नॉनसेंस तरीके से बताता हूँ कैसे मैं कैसे याद करता हूँ। मैं कैसे याद करता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट मेथड है, जैसे ये फर्स्ट मेथड है, व्हेन क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फॉर्म एंड राइटिंग इज नॉट गिवन। अब मैं ऐसे याद करता हूँ, क्रेडिट इज नॉट गिवन, नॉट नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब यहाँ पे फॉर्म एंड राइटिंग नहीं आएगा, और समझ गए आप लोग। सेकेंड मेथड में जाते हैं, सेकेंड मेथड में व्हेन क्रेडिट फॉर फॉर्म एंड राइटिंग इज गिवन, व्हेन क्रेडिट फॉर फॉर्म एंड राइटिंग इज गिवन, क्रेडिट फॉर फॉर्म एंड राइटिंग इज गिवन मतलब हाँ, गिवन गिवन मतलब यस, यस मतलब यहाँ पे फॉर्म एंड राइटिंग आएगा। तो पहले मेथड में लेस खाली मार्क्ड होता है, दूसरे मेथड में लेस मार्क्ड भी होगा और फॉर्म एंड राइटिंग भी होगा, दोनों का टोटल करके फिर लेस होगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर फर्स्ट वाले मेथड में भी लास्ट लाइन में ऐड फॉर्म एंड राइटिंग था, और सेकंड वाले मेथड में भी लास्ट लाइन में ऐड फॉर्म एंड राइटिंग है। तो मैं बोलूंगा हाँ, दोनों मेथड में लास्ट में फॉर्म एंड राइटिंग तो ऐड करना ही है, दोनों मेथड में
फॉर्म एंड राइटिंग ऐड करना ही है। तो सिर्फ फर्स्ट मेथड में लेस मार्क्ड आएगा, सेकंड मेथड में लेस मार्क्ड और फॉर्म एंड राइटिंग दोनों का टोटल लेस होगा, बस इतना फर्क है। पहले वाले में क्रेडिट नॉट गिवन मतलब फॉर्म एंड राइटिंग नहीं आएगा, दूसरे वाले में क्रेडिट गिवन मतलब लेस मार्क्ड और फॉर्म एंड राइटिंग दोनों का टोटल आएगा। क्लियर यहां तक? अब इसके आगे और भी रूल्स मैं आपको बताऊं। जैसे आपने देखा होगा यहां पे मैंने दो रेड कलर के बॉक्सेस बनाए हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में। अब फर्स्ट मेथड में यहां पे ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये मार्क्ड एप्लीकेशन के सामने मैंने बनाया है, अगर आप ध्यान दो तो। दूसरा जो ये रेड कलर का बॉक्स है ये मैंने अनमार्क के सामने बनाया है, मार्क्ड के सामने एक रेड कलर का बॉक्स है, अनमार्क के सामने एक रेड कलर का बॉक्स है। इन दोनों बॉक्सेस का जो टोटल है, इन दोनों रेड बॉक्सेस का जो टोटल है मतलब ये जो दोनों लेस हुए, यहाँ पे लेस हुआ मार्क्ड, यहाँ पे लेस हुआ अनमार्क्ड, ये इस चैप्टर की सबसे ट्रिकी पॉइंट है जिसकी वजह से सबके 10 में से 0 मार्क हो जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट, ये जो दोनों लेस हैं या ये जो दोनों रेड कलर के बॉक्सेस हैं, इन दोनों का टोटल टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए दोनों मेथड में, फर्स्ट मेथड में भी सेकंड मेथड में भी दोनों रेड बॉक्सेस का टोटल टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड होना चाहिए। देखो नीचे वाले सेकंड मेथड है उसमें भी ऐसा ही होगा, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में भी दोनों लेस वाले रेड कलर है, लेस का टोटल रेड कलर यहां पे भी वही है टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब हम इस नए टॉपिक पे आ गए कि दोनों मेथड में दोनों लेस का टोटल टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है, तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड मतलब क्या उसके बारे में यहां पे मैंने नीचे चार नोट्स करके लिखे हैं, वो एक एक करके समझना सब लोग ये चार नोट्स क्या हैं। सुनो, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड जो होना चाहिए, पहली बार टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड या टोटल सब्सक्रिप्शन एक ही बात है, दिस शुड बी इंक्लूसिव ऑफ फॉर्म एंड राइटिंग। क्वेश्चन में आपको टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड दिया हुआ होगा या टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ होगा, इसके अंदर फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूडेड होना चाहिए। पहली बात, इसके अंदर फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूडेड होना चाहिए। अब वही चीज तीन अलग अलग सेंटेंस में लिखी हुई है, इफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इंक्लूसिव ऑफ फॉर्म एंड राइटिंग, इफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इज इंक्लूसिव ऑफ फॉर्म एंड राइटिंग देन डू नॉट डू एनी चेंज। तो टोटल एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज मत करो, अगर फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूडेड है तो वेल एंड गुड, चेंज कुछ भी चेंज मत करो। लेकिन अगर इफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इज एक्सक्लूसिव ऑफ फॉर्म एंड राइटिंग देन वी शुड ऐड फॉर्म एंड राइटिंग इन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब बात वही है, तीनों पॉइंट्स में एक ही बात लिखी हुई है। पहली पॉइंट में लिखा हुआ है कि फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूडेड होना चाहिए, दूसरे में लिखा हुआ है कि अगर इंक्लूडेड है तो कुछ मत करो, तीसरे में लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म एंड राइटिंग एक्सक्लूडेड है तो उसको टोटल एप्लीकेशन में इंक्लूड करो मतलब ऐड करो। तो बात तीनों में वही है कि फॉर्म एंड राइटिंग इंक्लूडेड होना चाहिए टोटल एप्लीकेशन में, तीनों जगह पे वही बात लिखी हुई है। फिर ये एक नया पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है उसके अंदर मार्क्ड भी इंक्लूडेड होना चाहिए, अनमार्क भी इंक्लूडेड होना चाहिए और फॉर्म एंड राइटिंग भी इंक्लूडेड होना चाहिए। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड के अंदर मार्क्ड, अनमार्क्ड और फॉर्म एंड राइटिंग तीनों इंक्लूडेड होना चाहिए। अब लास्ट में एक बार मैं आपको दोनों फॉर्मेट्स रफली रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट मेथड, पहले फर्स्ट मेथड था ये हमारा, फर्स्ट मेथड में सबसे पहले क्या था, ग्रॉस लायबिलिटी। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले क्या था, ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी के बाद लेस, ग्रॉस लायबिलिटी के बाद लेस मार्क्ड, उसके बाद लेस अनमार्क्ड, ग्रॉस लायबिलिटी के बाद पहले लेस मार्क्ड, फिर लेस अनमार्क्ड, फिर अगर कोई नेगेटिव अमाउंट हो तो बाकी अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट, फिर आएगा नेट लायबिलिटी, उसके बाद फॉर्म एंड राइटिंग ऐड करो, उसके बाद टोटल लायबिलिटी। और सेकंड मेथड में, सेकंड मेथड में पहले ये सेकंड मेथड में पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर लेस मार्क्ड और फॉर्म एंड राइटिंग दोनों का टोटल, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर अगर कोई नेगेटिव अमाउंट है तो उसको बाकी अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट, फिर नेट लायबिलिटी आएगा, फिर फॉर्म एंड राइटिंग, फिर टोटल लायबिलिटी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक एग्जांपल लेके इसके नंबर ऑफ शेयर्स के साथ सम्स, इसकी जर्नल एंट्रीज, कैलकुलेशन नंबर्स के साथ ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक ये दो फॉर्मेट्स खाली आप लोग याद करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।